दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं पीछे, हमारे पीछे भैंस है, आज इसकी मम्मी को बेच दिया गया, यानी कि कोई दूसरा ग्राहक लेके गया, और उसी के जाने की वजह से ये भैंस बहुत ही चिल्ला रही है, क्योंकि ये अपनी माँ से बिछड़ चुकी है। इसी वजह से ये अपनी माँ की यादें मिटा नहीं पा रही है। इंसान हो चाहे जानवर हो, हर इंसान के पास दिल होता है, इसलिए कोई भी अपनी ममता को नहीं भूल पाता। देख लो कितना चिल्ला रही बेचारी, क्या करोगे, इंसान अपने फायदे के लिए न जाने क्या क्या करने लगता है। तो दोस्तों हम चल रहे हैं गांव में भाई, पैसा निकालने अंगूठा लगा के, जानते ही हो ना, जब से मोदी जी आ गए हैं तब से पैसा निकालने का काम बहुत ही आसान हो गया। अंगूठा लगाओ, पैसा निकालो, उसके बाद मार्केट में जाके उड़ा के आओ। तो चलिए गाँव में आ गए हम सब पैसा निकालने के लिए, फिर चलते हैं उड़ाते हैं पैसा। ठीक है भाई, तो दोस्तों हमने 1,000 रुपया निकाल लिया, आप भाई से जमा करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पे करेंगे। ओके भाई, तो चलते हैं, जमा कर देते हैं यहीं पर। तो दोस्तों हमने एक साथ दो काम किया, एक तो पैसा भी निकाला, दूसरा जमा भी कर दिया, उसके बाद जहां हमें ट्रांसफर करना था हमने वहां कर भी दिया, और अभी मस्ती करने के लिए थोड़ा सा बचा लिए यार, नहीं तो साफ पैसा जमा थोड़ी करेंगे। तो भाई अब चलते हैं अभी कहीं और टहलने के लिए। ओके, अभी देख लो किनारे का माहौल क्या है, बहुत ही खतरनाक है। तो हेलो दोस्तों, मैं टहलते टहलते आ चुका हूँ भाई इस फील्ड में, और इस फील्ड में आप देख सकते हैं कि मिट्टी पीछे गिरा हुआ, काफ़ी मिट्टी गिरा हुआ, यहाँ पर ईंटा की पथाई होती है, और साइड में बना हुआ ये घर है, और आप ऊपर आप देख सकते हो यार पूरा सरिया काट ले जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पिलर का तो सरिया गायब कर दे रहे हैं। ये बकचोदी कौन कर रहा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इस पिलर के सरिया को काट के वो कितना कमा लेंगे, इतना बदतमीज लोग हैं आप सोचिए। देख लीजिए, नज़दीक से दिखा देता हूँ, देख लो पीछे, देखो एक भी सरिया नहीं उसमें। आप सोचिए अगर इसे और ऊपर लेके जाना होगा तो भाई कैसे ऊपर लेके जाएंगे, आप ही बताओ, इतना बकचोदी लोग करते हैं, समझ में नहीं आता लोगों को। इतना मेहनत से बनाया जाता है, सरिया खरीदा जाता है, सीमेंट खरीदा जाता है, और सरिया काट ले गए, कितना रुपया कमा लेंगे। यहाँ पर बत्तीमोजों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो समझदारों की। तो भैया आप लोग समझदार बनो और अच्छा इंसान बनो। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपको हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।